What is your tone of speaking? इतनी दूर से आए हुए 6 बजे से आप बता रहे हैं देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू खड़ी क्या वी आर जस्ट स्टेयरिंग है बताएंगे हम लोग जो लोग मतलब चार चार घंटे से वहाँ पर खड़े चार बजे यहाँ बड़ी शरीफ जनता रहती है हिमाचल प्रदेश के अंदर पर ये टोन नहीं होती बात करने के ऑफिसर्स की वो तो पता लगी रहा हाँ वी वन आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सर आई हैव रिजाइंड एज ए आईएफएस आप लेके आए हैं सबको पता लगा यस 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 वी नो आई मीन यस वी आर नॉट टेलिंग यू प्लीज टेल हाँ यस ये मुद्दा ये है कि जो झुनगा तहसील है उसके अंदर पूरे सुमडी विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज है उसमें 10 पंचायतों के बच्चे आते हैं तो हर पंचायत से सुबह 6, 6:30 और 7 बजे के बीच में बसें स्टार्ट होती है तो वो अपने गांव से सुबह कोई 5 बजे निकलते हैं 4 बजे उठ करके और फिर वहां पर कोटी में 7 बजे पहुंच जाते हैं कॉलेज शुरू 10 बजे होता है और वापसी के लिए वही बस रात को उनको 7 बजे वापस अपने एरिया में पहुंचाती है तो एक लार्जर इशू है वहां पर खास तौर पर 6 पंचायतों का आउटस्टैंड तो झुनगा वाला एरिया दैट इज आपके बैनर तले सर आज किसान सभा के एक 3 डेलीगेशन जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और MDHRTC से मिलने आए थे ये लोग सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे की बसेस में यहां पर भूखे प्यासे पहुंचे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जब MDHRTC के पास पहुंचने आए तो इनके स्टाफ ने कहा कि साहब अभी फाइल पढ़ रहे हैं हम अंदर नहीं जा सकते और उनको बताया था कि एक बड़ा डेलीगेशन आया उनसे बात करें तो थोड़ी देर के बाद साहब जो मिस्टर संदीप कुमार IAS है मेरा ख्याल अभी बड़े यंग हैं और अभी इनको शायद 8-10 साल ही हुए हैं जॉब के अंदर वो बाहर आए और उसके बाद जिस टोन में और जिस तरीके से उन्होंने बात की कि वो दबा देंगे कि जल्दी दे दो मेरे पास बहुत ज्यादा और काम है ऐसा लगता है कि इनमें कोई भी ऐसी संवेदना नहीं है उन्होंने ये नहीं देखा कि इतनी जो यहां पर महिलाएं आई हैं सीनियर सिटीजन हैं बाकी लोग आए हैं कि उनसे किस तरीके से बिहेव किया जाए और वी वर फोर्स टू रिप्लाई बैक इन द सेम कॉइन की जब उन्होंने उस तरीके से बात की उसके बाद वो थोड़ा शांत होकर उन्होंने बात को सुना और अभी भी ये कहा कि मेरा स्टाफ इसको देखेगा अगर ऐसे ऑफिसर को वर्तमान सरकार अगर ऐसे उच्चतम पोस्ट के ऊपर लगाएगी तो 2 महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को जवाब देगी कि अगर इस तरह के ऑफिसर अगर इन ऑफिसेज के अंदर लगेंगे जिसमें इतनी मैसिव पब्लिक डीलिंग होती है तो इसमें ये सरकार को बहुत ही बदनाम करेंगे बड़े दुख की बात है मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारा इतना बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है उतनी तो इनकी अभी एज भी नहीं होगी हमारा भी पर हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे कोई ऑफिसर इस तरीके से बात करते आए हों और इससे हमें बड़ा दुख हुआ आज तो नहीं क्योंकि इनकी पहली बारी थी अगर इन्होंने दोबारा इस तरह बिहेव किया हम तो डायरेक्ट एक्शन इनके खिलाफ लेंगे और हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स